जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई DOIT कक्ष में गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें 161 प्रकरण आए, जिनमें लगभग 45 प्रकरणों को मौके पर ही सुलझाया गया। इसके अलावा 27 पेंशन संबंधी परिवाद भी मौके पर ही निस्तारित किए गए। जनसुनवाई में अतिक्रमण, दुर्घटना बीमा, पालनहार योजना, लोन, चिकित्सा, नगर निगम, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, UIT, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आदि के परिवाद आए। जनसुनवाई में निगम कार्मिक का महिला के साथ दुर्व्यवहार का परिवाद आया, जिसमें जानकारी दी गई कि वो पूर्व में जेल भी जा चुका है। परिवाद की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को संबंधित कार्मिक को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बुजुर्ग दिव्यांग सतीश कुमार पालनहार योजना और लोन के परिवाद के साथ जनसुनवाई में पहुंचे, जिसके लिए जिला कलेक्टर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को तुरंत सतीश कुमार को राहत देने के लिए पाबंद किया। इसके साथ ही उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सतीश जिस भी किसी योजना में पात्र है उनको लाभ दिलाना सुनिश्चित करे। वहीं कैंसर से पीड़ित अजमल का इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, परंतु अब वो कोटा में इलाज लेना चाहते हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पीड़ित के यथासंभव इलाज के लिए निर्देशित किया है। वो गाँव का पानी आ रहा है, जो नाली को बंद कर रखा है। गाँव के आदमी ने जगदीश सुनो बद्रीलाल, मुकेश सुनो मोतीलाल मीणा थोलपुरा पंचायत कलेकड़ी, उन लोगों ने पानी बंद कर रखा है और हमारे खेत में फसल नष्ट हो चुकी है। पूरे गांव की समस्या है, पूरे गांव वाले परेशान हो रहे हैं। ये अतिक्रमण सिवाय तक जमीन है, जहां पानी का बहाव क्षेत्र है, उसमें उस आदमी ने पुलिस के बल पे मकान बना लिया और जिससे पूरे गांव में हमारे को पूरी समस्या है। कहता सब प्रशासक हमारा, सब हमारा संतोष कुमार जी, पूरे गांव की संतोष कुमार पूरी समस्या है। अगर अधिकारी वहां जाके देखे, मौका मायना का क्या हो रहा है यहां पर। ये मैं 2021 से लग रहा हूं सर, यहां मैं लगभग 7 दफा आ चुका, नहीं हो रहा। हेयर फेयर के वापस यहाँ आ जाता, हेयर फेयर के वापस तहसीलदार, नायब तहसीलदार मंडाना, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कलेक्टर में ऊपर कलेक्टर साहब के ऑफिस में आपको किस तरह से परेशान करते हैं गांव वाले? भाई मैं आने जाने के लिए तो मेरे को लाठी लेके मेरे पीछे दियाली करी एक दो बार, और हमें निकलने देते, धमकी देते ऐसे, एक तो वापस ले जब निकलने देंगे, जब तेरे को कोई कार्य करने देंगे, तेरे वाहन नहीं आने जाने देंगे। इस प्रकार से मुझे दंडित किया जा रहा है। मैं यहाँ पे मेरे पास दो बार तो मैंने यहाँ परिवाद दे दिया SP साहब को, 8-10 परिवाद SP साहब को दे दिए। नानता थाने में 20-25 चक्कर लगा लिए, भाई नानता थाने वाले सुनवाई नहीं करते। देखिए हमारा जो सरकार का मैंडेट है कि स्वच्छ पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन हमें उपलब्ध कराना है, उसके तहत जिला स्तरीय जनसुनवाई आज आयोजित की जा रही है। इसमें अभी तक 109 तरह के प्रकरण हमें 109 प्रकरण मिले हैं, उसमें जिन जिन विभागों के हैं उनके विभागीय अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं और उनको सुना है, और कोशिश की जाएगी कि टाइमलाइन के आधार पे उन शिकायतों जो जिनोइन शिकायत है उनका निस्तारण किया जाए। लोगों का कहना है काफ़ी बार आ चुके हैं। देखिए कई समस्याएं जो सिस्टम है उसमें कई बार कई तरह की अड़चनें होती हैं, कई बार कोर्ट का कुछ इंटरवेंशन माननीय न्यायालय की तरफ से होता है, तो फरियादी को वो लगता है कि मैं बार बार आ गया, और कई बार जिनुइनली भी होता है कि उसका जिनुइन काम होता है। तो ऐसे मामले जिनमें जिनुइन जिनका काम होना चाहिए उन्हीं के लिए मैंने टाइमलाइन निर्धारित की है, और अगर वो टाइमलाइन में काम नहीं होता है तो उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सभी तरह की है समस्याएँ, हमारे लिए एक वो एक कागज़ हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसका जीवन उस पर निर्धारित होता है, तो हमने उसी आधार पर करके और ये कार्रवाइयाँ की जा रही है।